महाराष्ट्राचा आवाज आपल्या हक्काचा। नमस्कार, मैं प्रदीप पाले। हमारी समस्या और प्रॉब्लम है ये अवैध डंपिंग ग्राउंड। ये डंपिंग ग्राउंड हमने सुना है कि भाई ये लिया ही था भाई हफ्ते 10 दिन के लिए। आज 7 साल हो गए, 7 साल में ना वो डंपिंग ग्राउंड हटाया है ना कुछ, उसका मसले का कुछ हल निकला है। हम चाहते हैं कि भाई ये डंपिंग ग्राउंड जल्द से जल्द बंद हो जावे, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे बूढ़े जो भी जितने भी है, लाल चक्की से लेके कैलाश कॉलोनी तक, नेताजी तक, सब लोग परेशान है उसके वजह से कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है वो बंद नहीं हो रहा है और उसका पूरा धुआं कीचड़ पूरा माना शहर में जा रहा है और उसके वजह से बहुत सारे लोग परेशान है। और परेशानी में वहाँ से वो एरिया से जो लोग है जो रहते हैं वो वहाँ से अपना एरिया छोड़ के तक गए और बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं वो धुएँ की वजह से। इसलिए हम चाहते हैं कि वो डंपिंग ग्राउंड जल्द से जल्द बंद हो जावे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये जो डंपिंग ग्राउंड का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप जाके देखो, लग रहा है पहाड़ पूरा लग गया है कचड़े का और उसमें आग लग जाता है, कभी कभी धुआं उठता है, लोग बीमार पड़ते हैं। और बारिश में अभी बारिश होएगा, बारिश के बाद जो गंदगी फैलेगा उससे लोग बहुत बीमार होंगे। और ये हर साल ऐसे ही होता है। लोगों से मैं विनती करता हूँ कि कल जो बंद का ऐलान किए है व्यापारी लोग और जो भी लोग, उसका सहयोग करें, हम उनके साथ में हैं। महाराष्ट्र और सबको विनती है, कल के जो इधर का मोर्चा जा रहा है अपना कचरे डंपिंग के लिए, सब जन उनके लिए सहयोग करें और सब जन अपना अपना टाइम निकाल के उधर सब जन आइए और सबके हित के लिए है और सबके स्वास्थ्य के लिए है। इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ, सब जन आइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और सबको मेरा नमस्कार। भाइयों, ये जो डंपिंग बंद के लिए जो कल आंदोलन छेड़ने जा रहा है, मेरा कहना यही है कि सबके सब 5 नंबर के जितने भी व्यापारी है और यहाँ के रहवासी है, ये सबके सब कल बड़ी तादाद में आगे आए और इस जो बंद का विरोध करना है वो सब अपनी दुकानें बंद करके विरोध जताए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विषय है और इसे गंभीरता से लेने की हमें सबको जरूरत है। क्योंकि पहली मरतबा तो ये कहा गया था कि भाई 15 से 20 दिन के लिए हम लोग ये डंपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद आज 7 से 8 साल हो गए ये डंपिंग हटने का नाम नहीं ले रहा। ये अवैध जो डंपिंग है इसे किसी भी तरह हम सबको एकजुट आके इसका विरोध जताना है और इस डंपिंग को यहाँ से हटाना है। और जिस भी पंचायत ने ये आगे मुद्दा रखा है उस पंचायत को सबकी सब मार्केट की जितने भी पंचायत है आगे आके उनको सब हर कोई आके सपोर्ट करे और अपना सपोर्ट वहाँ पे खड़े होके दर्शाए। तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसेच सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।